बड़ी खबर, उज्जैन में 15 साल के नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भरत सोनी ऑटो ड्राइवर है। गिरफ्त में आने के बाद पुलिस जब उसे स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी ने जब दीवार फांदने की कोशिश की तो वो घायल हो गया। आरोपी को पकड़ने की कोशिश में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया। सबूत छिपाने के आरोप में एक और शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के लिए 14 किलोमीटर के दायरे में 700 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस ने लड़की के बारे में भी पता लगा लिया है। लड़की सतना से उज्जैन 25 सितंबर को पहुंची। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सतना में दर्ज थी। पुलिस ने FIR में लड़की की उम्र 15 साल लिखी है। अस्पताल में बेसुध पड़े इसी शख्स पर उज्जैन में नाबालिग से रेप का आरोप है। अब ये घायल होकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। उज्जैन पुलिस का दावा है कि भरत सोनी नाम के इसी शख्स ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है। जांच के दौरान आरोपी को उस जगह पर ले जाया जा रहा था जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसी दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और एक दीवार से टकरा कर घायल हो गया। बताया जा रहा था कि एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अब जो पुलिस के TI हैं उनके मुताबिक चूंकि इसको जांच के लिए ले जाया जा रहा था उसी दौरान इसने भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश के दौरान यह एक दीवार से टकरा गया जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हुआ। और आप देख सकते हैं खून आलूदा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। तमाम पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भारी जद्दोजहद की। एनकाउंटर नहीं हुआ इनका, चूंकि ये भाग रहे थे वहां से। भागने के दौरान वो कंक्रीट की जो रोड है उससे टकरा जाने से उनको चोट आई है। ले गए थे सर उनको, इनको जीवन खेड़ी हम लोग नक्शा मौका बनाने गए थे। चूंकि पीड़िता के सारे कपड़े फट गए थे, आपने देखा था पूर्व की जो फुटेज है उसमें उनके तन पर कपड़े नहीं दिख रहे हैं। वो कपड़ों की बरामदगी के लिए और घटनास्थल का नक्शा मौका को तायद करने के लिए हम लोग गए थे वहां पर। इसी दौरान इसने मौका पाकर भागने का प्रयास किया और जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो हबराट में ये जो कंक्रीट की जो रोड है जो जमीन से लगभग 2 फीट ऊंची उससे टकरा जाने से इसको जो है चोटें आई। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आरोपी पुलिस के शिकंजे में किस तरह से आया। उज्जैन पुलिस के मुताबिक पुलिस ने सबसे पहले नाबालिग से जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन वो कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाई। इसके बाद पुलिस ने 28 सदस्यों की SIT टीम बनाई। शहर में आने वाले सभी रास्तों के CCTV खंगाले गए। सभी संदिग्ध जगहों पर लगे CCTV भी देखे गए। पूरे शहर के करीब 700 CCTV खंगाले गए। 14 किलोमीटर के दायरे में लगे सभी CCTV को देखा गया। इस दौरान 4 ऑटो ड्राइवर के साथ बच्ची को देखा गया। 2 लोग बच्ची से बातचीत करते हुए भी नजर आए। इन्हीं CCTV में पुलिस को यह ऑटो भी दिखा। जिसके बाद ऑटो की तलाश शुरू हुई तो पुलिस के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई। आरोपी ने ऑटो के नंबर प्लेट को खराब करने की कोशिश की थी। आरोपी ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था लेकिन वो ज्यादा देर तक छिप नहीं सका और पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य छिपाने के आरोप में एक और शख्स को पकड़ा है। दूसरे आरोपी के ऑटो से ही खून के निशान भी मिले हैं। फुटेज में एक ऑटो मिला था जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया तो पहले भी जैसे बताया गया था उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उसे जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ अभी की स्थिति में अगर बात की जाए इसमें हमारा जो प्राइम एक्यूज है उसको राउंड अप कर लिया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखा पढ़ी वगैरह चल रही थी। जिसके ऑटो में खून के धब्बे मिले थे उसके ऊपर नॉन रिपोर्टिंग के लिए FIR दर्ज की गई है। जो हमारा आरोपी है वो अलग है। मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे ही कायमी हुई है और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 24 को सतना से चली है, 25 को यह घटनाक्रम हुआ है जो लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल का उज्जैन में होने का है। नाबालिग के बारे में पता चला है कि यह बच्ची 24 तारीख को ट्रेन से सतना से चलकर 25 सितंबर को उज्जैन पहुंची थी। उसे सतना से उज्जैन आने में करीब 14 से 15 घंटे लगे। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 तारीख को सतना में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 3 बजे से 6 बजे के बीच रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अब मुख्यमंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा।
हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। बच्ची की माँ उसे करीब 5 साल पहले छोड़कर जा चुकी है। पिता अर्धविक्षिप्त है। घर में दादा है जिन्होंने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करीब 5 घंटे तक सड़कों पर खून से लथपथ होकर ये बच्ची भटकती रही। उज्जैन के लोगों पर भी सवाल उठे, लेकिन पुलिस का कहना है कि कई लोगों ने उसकी मदद भी की। हालांकि पुलिस ये नहीं बता पाई कि बच्ची को 5 घंटे तक कोई पुलिस वाला क्यों नहीं मिला। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।